जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका बयान सामने आया है कि जिस समाज ने मुझे काम करने के बावजूद वोट नहीं दिया उनका कोई व्यक्तिगत काम मैं नहीं करूंगा, ये खबर आ रही है। ये जान लीजिए, नाम है सांसद जी का देवेंद्र चंद्र ठाकुर, इनका बयान, जेडीयू के सांसद है बिहार से, उन्होंने ये कहा कि जिस समाज ने मुझे काम करने के बावजूद वोट नहीं दिया उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। सांसद जी का बयान हम आपको सुनाते हैं। चुनाव के परिणाम की समीक्षा हो रही है, किसने दगा दिया, कौन है वो शख्स, कौन है वो जाति जिसने साथ नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? मैं खुल के कहता हूँ, आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। मैं अगर जन सेवा में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, और मेरी बात अगर कोई प्रशासन के लोग या कोई कहीं कोई भी लोग सुनते हैं मेरी बात, इसलिए सुनते हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसी ओहदे पर हूँ, कल वही नहीं रहूँगा तो आप आएंगे भी नहीं मेरे पास और ना मैं काम आपका करा सकूँ। तो सवाल ये उठता है देवेश जी कि क्या तो वही बात है, मैंने सबको कह दिया आप हर एक आदमी का स्वागत है, मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, दो समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है, लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा, काम नहीं करूंगा। सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। तो ये बड़ी एक बारीक लाइन इन्होंने खींची है देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर। अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। एबीपी न्यूज से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है ये बीजेपी की संगत का असर है, ऐसे बयान लोकतंत्र विरोधी हैं। कांग्रेस का पलटवार, कहा कि ये बीजेपी की संगत का असर है, जेडीयू बीजेपी साथ में, एनडीए बिहार में। अब उनका पवन खेड़ा का जो पलटवार है, जो बयान है, वो सुनाते हैं आपको। ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, सीतामढ़ी से बड़े नेता हैं, और उन्होंने एक बहुत ही विवादित अजीब बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो काम इससे पहले करते थे, सबके काम करते थे, खासतौर पे यादवों मुस्लिमों के करते थे, लेकिन अब उन्होंने खुला ऐलान किया है कि वो यादवों और मुस्लिमों के काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यादव और मुस्लिम समाज से कोई है, काम है, आप आइए चाय पीजिए, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। ये सांसद का एक बयान है सर, इस पर क्या? जेडीयू किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाहिर है कि उनका प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन पर भी पड़ेगा। पूरे सोशल मीडिया पे जब से रिजल्ट आए हैं, लगातार हम ये मुहिम एक तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी को उनके काम नहीं करने चाहिए, उनके लिए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता कोई लोकतांत्रिक मानसिकता तो है नहीं, संविधान सम्मत मानसिकता तो है नहीं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो जेडीयू के सांसद ने कह दिया कि किसी का व्यक्तिगत काम हम नहीं करेंगे। अब कांग्रेस पलटवार करके कह रही है कि भाई बीजेपी के साथ हैं तो ये उनके लक्षण सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मुझे लगता है कि पहले तो शब्द समझने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि किसी का व्यक्तिगत काम, जैसे कि मैं अपना काम लेके जाता हूँ, लेकिन इसके अलावा इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो ये है कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कोई किसी से संबंधित काम ही लेके जाएगा ना, तो ये किस तरह की परिपाटी सांसद शुरू करना चाहते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि को व्यक्तिगत काम भी करने पड़ते हैं और सार्वजनिक काम भी करने पड़ते हैं। सार्वजनिक काम तो वो करता ही करता है, लेकिन व्यक्तिगत काम का मतलब घर से, घर का काम थोड़ी ना कोई करवाएगा। हाँ, नहीं, व्यक्तिगत काम से जुड़ा मतलब अगर कोई सार्वजनिक रोजगार से जुड़ा काम है, सता रहा है, पुलिस वाला सता रहा है, कोई रोजगार की जरूरत है, कहीं कुछ मामला फंसा हुआ है, तो सारे जनप्रतिनिधि जनता का काम करते हैं और उनके घरों पर जाते हैं, तीज त्योहार में, समारोह में, शादी में, मृत्यु में भाग लेते हैं, वो सब तो अलग बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से भारतीय लोकतंत्र में ये एक खास तरह की प्रकृति पैदा हुई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मसलन इसमें एक बहुत बड़ा नारा है डबल इंजन की सरकार का, यानी अगर हमारे प्रदेश में वो सरकार नहीं आएगी जो केंद्र में है तो केंद्र सरकार उसको उतनी मदद नहीं करेगी जितनी मदद करनी चाहिए। ये अपने आप में संघवाद विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और ऐसी प्रवृत्ति है। जैसे मुसलमानों के बारे में, मुसलमान हमें वोट नहीं देते तो फिर हम उनको टिकट नहीं देंगे, द्वेष की भावना। ये सारी प्रवृत्तियां क्या हैं? ये उसी तरह की प्रवृत्ति है कि आपने हमें वोट नहीं दिए, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपका चलिए स्वागत कर लेंगे। अच्छा, दूसरे ये है कि राजनीति में अघोषित रूप से जिसे कहते हैं एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ लोगों को अपने दायरे से बाहर निकालते हैं, कुछ लोगों को अपने दायरे में शामिल करते हैं। तो इन्होंने मुसलमानों को
और यादवों को अपने दायरे से बाहर निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। ये साफ दिखाई पड़ता है, खुद सामने निकल के आ रहा है। कहीं कई चीजें अघोषित रूप से होती हैं, यही वो काम घोषित रूप से कर रहे हैं। जैसे टी राजा हैं, वो अक्सर बयान देते हैं कि नहीं मुसलमान हमको वोट ना दे। हाँ, एक ऐसा बयान मेरे दिमाग में, बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में कहती थी कि जो ऊंची जात के लोग हैं वो हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं, हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की बात की। लेकिन ये तय कैसे होगा? अभी ये मुझे लगता है कि जो कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ईवीएम पे, ईवीएम पे जो चर्चा कर रहे थे कि एक खास इलाके में पता चल जाता है कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला। दो चीजें, एक तो ये कि उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठाकुर साहब का जो मसला है वो तो एक तो इमीडिएट नाराजगी है उनको, हो सकता है कि बहुत काम करते रहे और कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स भी हो सकता है। लेकिन ये गंभीर मुद्दा ये है जिस पर अभय जी पहले चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम कर रहे हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर में ये फर्क हुआ कि बैलेट पेपर की जब काउंटिंग होती थी तो वोटों को मिला लेते थे, तो आपको पता नहीं होता था कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। से कितने वोट दिया। ईवीएम में तो हर बूथ का भी पता है आपको, तो इस 1000 में से किसने का पता लग जाता है। तो वो जो ये कह रहे हैं ठाकुर साहब, दरअसल ये प्रवृत्ति कोई नई नहीं है, ये प्रवृत्ति पहले भी थी लेकिन अघोषित थी और लोग ये कहने में संकोच करते थे। आमतौर पर वर्गों को चिन्हित कर लिया जाता है कि भाई ये वर्ग हमारे वो ज्यादा वोट देता है, ये वर्ग हमें, जैसे उदाहरण के लिए मुसलमान ज्यादा होगा, ये होगा, समाजवादी पार्टी के वोटर है ये माना जाता है, उत्तर प्रदेश को लेके बिहार में आरजेडी के वोटर है तो बीजेपी आरजेडी वाले मानते हैं, समाजवादी पार्टी का अपर कास्ट जो है वो बीजेपी की वोटर। लेकिन अघोषित रूप से ये बातें होती थी और ये कोशिश की जाती थी अपने जो जनाधार वर्ग को ज्यादा लाभ देना, लेकिन फिर भी खुले तौर पर कोई नेता ही नहीं कहता था। और अगर कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति जो वोट न दे रहा हो, व्यक्तिगत काम के लिए जाता था तो करते भी थे उसको। ये नई प्रवृत्ति आई है, एक नई प्रवृत्ति आई है, जो कहना और बताना कि तुम आना मत मेरे पास, ये मुझे लगता है ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे बयान मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो परिपाटी है ये तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।